आप सभी का स्वागत है ई आई एस पुजकेशन में। यूपी स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आखिर कब बढ़ाया जाएगा, इसको लेके कब तक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आपको पता है कि आप अगर फाइनल सबमिट कर चुके हैं तो हार्ड कॉपी जमा करने की भी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर तक दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनके रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के प्रोसेस ही नहीं हुए हैं, इसके साथ ही जिनके भी फाइल सबमिट हो चुके हैं लेकिन हार्ड कॉपी डाउनलोड नहीं हो रहा, तो सभी छात्र छात्राएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ पे क्यों इतना देरी हो रहा है, कब तक स्कॉलरशिप को लेकर जो सारी बातें वो स्पष्ट किया जाएगा, इसको लेकर तो हमने वीडियो आपको चैनल पर अपलोड किया ही है। सारी बातें, सारी प्रोसेस आपको विस्तार से बताया है, तो आप उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं कि कब तक जो मेरे पास ऑफिशियल जानकारी है, जो कमेटी की ओर से जानकारी है, उसको लेके हमने आपको सारी बातें बताई है। लेकिन अब चाहिए कि ऑफिशियल तौर पे आधिकारिक वेबसाइट पे बिल्कुल एक जो नोटिस है वो सरकार की ओर से जारी किया जाए, कमेटी की ओर से जारी हो, ताकि जो बातें वो पूरी तरीके से स्पष्ट हों, केवल सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है उसके हिसाब से आपके लिए बातें ना हों, पूरे तरीके से एक आधिकारिक तौर पर अब जो सूचना है वो सरकार को स्कॉलरशिप कमेटी को जारी करना होगा। और इसको लेके ट्विटर पे अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप इसमें सहयोग ना करें। तो इसलिए आपको जो ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है उसमें आपको सहयोग करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग ट्विटर पे देख सकते हैं कि जो ट्वीट है वो कर दिया गया है, और आपको इसे जाके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिट्वीट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप ट्विटर पे ट्वीट होना चाहिए। जितना ज़्यादा ट्वीट होगा उतना ज़्यादा सरकार पे दबाव होगा, और जाहिर सी बात है कि अभी ये करना ज़रूरी है ताकि छात्र हित में सभी को स्कॉलरशिप मिल सके। डेट बढ़ेगा लेकिन कब तक बढ़ेगा, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रहा है। जितना ज़्यादा डेट बढ़ने में देरी होगा उतना ज़्यादा आपके स्कॉलरशिप पाने में भी देरी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए अब चाहिए कि अब सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए, उनसे कहा जाए कि जल्द से जल्द आधिकारिक तौर पर जो नोटिस है, जो प्रोसेस किया जा रहा है, उसको लेके ही जो बातें वो थोड़ी सी स्पष्ट की जाए, ताकि जितने भी छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले। इसके साथ ही अगर आप एक यूट्यूबर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो खास तौर पे कोशिश कीजिए कि एक हैशटैग स्कॉलरशिप को लेके अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड कीजिए, और जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों से कहिए कि जाके वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिट्वीट कीजिए। हमने जो यहाँ पे ट्वीट किया, आप चाहे तो इसे ही कॉपी कर सकते हैं, जाके अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर दीजिए, रिट्वीट कीजिए, लेकिन आप सभी इसे अब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्विटर पे जो अभियान हैशटैग स्कॉलरशिप पर चलाया जा रहा है इसमें सभी सहयोग। और यहाँ पे हमने जो ट्वीट किया है इसमें आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करना चाहिए, कुछ और दूसरा भी ट्वीट करना चाहिए, तो आप इसको लेके कमेंट भी कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हमने जो बातें कहा इससे आप सहमत है नहीं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे हमने लिखा है कि छात्र हित में देखते हुए जल्द ही स्कॉलरशिप डेट बढ़ाई जाए, विनम्र अनुरोध है। छात्र अपने समय पर स्कॉलरशिप ना भर पाने की जिम्मेदार कॉलेज यूनिवर्सिटी पे हैं, जहाँ समय पर रिजल्ट जारी नहीं हुआ और ना ही अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हुई है जिससे समय पर स्कॉलरशिप भरा जा सके। तो ये बात पूरी तरीके से सही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इसमें अगर आप कुछ और भी करेक्शन चाहते हैं, आप मेरी बातों से सहमत है नहीं, आप कमेंट करके बताइए। बाकी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हैशटैग स्कॉलरशिप को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जाके रिट्वीट कीजिए, ट्वीट कीजिए, ताकि सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बढ़े और आजकल में जो भी नोटिस है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो प्रोसेस को लेकर जो सारी बातें वो तो हमने आपको पहले जो वीडियो उसमें बताई दी है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे केवल ट्विटर पे जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें आप सभी लोगों को सहयोग करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्विटर पे जाके रिट्वीट कीजिए।